अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़े मज़े का बीफ कोरमा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। इसके लिए हमें चाहिए बीफ 1 किलो, तीन बड़े साइज़ के प्याज चाहिए, फिर इसके बाद हमें तीन बड़े टमाटर चाहिए, 5 अदद हरी मिर्चें चाहिए, अदरक का 1 टुकड़ा और लहसुन। इसके बाद हमें सुरख मिर्चों का पेस्ट, गरम मसाला मिक्स 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और कोरमा मसाला 1 चम्मच। कुकर में हम गोश्त को डालेंगे। गोश्त को डालने के बाद इसमें जाएगी प्याज, इसके बाद जाएंगे टमाटर, सब्ज मिर्चें, लहसुन, अदरक हमने अभी नहीं डालना, वो गोश्त को भूनते वक्त डालेंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे, सुरख मिर्चों का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला, नमक, कोरमा मसाला हम वो भी बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। साथ ही इसमें 2 ग्लास जाएगा पानी। और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुकर को बंद करेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। देखें गोश्त हमारा गल चुका है। साथ ही इसमें कुटा हुआ अदरक जो है वो डाल देना, और 5 चम्मच तकरीबन इसमें घी के जाएंगे। घी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये घी कम था, मैं थोड़ा और डालूंगी। देखिए घी हमारा गोश्त भुन चुका है और घी ऊपर आ चुका है। इसके बाद हमने 1 ग्लास या 1/2 ग्लास के करीब तकरीबन पानी डालना है, और इसको धीमी आंच पे रखना है ताकि इसका घी ऊपर आ जाए, और फिर देखें मिर्चों से और अदरक से इसको गार्निश कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। वीडियो को पूरा देखना है आपने, लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी लाजमी करने हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।